नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। बुंदेलखंड किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि तहसील बवेरू के विभिन्न गांवों के अन्य जानवरों की समस्या को लेकर बुंदेलखंड किसान यूनियन ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि किसान अन्य जानवरों के भय के कारण फसल बुआई धान की फसल चट कर रहे हैं, जिसे पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में जानवरों की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। लाइव टीवी समाचार के लिए बांदा से नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। क्या समस्या, किस समस्या को लेकर यहाँ बबेरू में? श्रीमान जी, हम बुंदेलखंड किसान यूनियन के कार्यकर्ता, हमारी मेन समस्या है यहाँ क्षेत्र में अन्ना जानवरों को लेकर के। अन्ना जानवरों के कारण से हमारी फसलें नष्ट हो गई खरीफ की, और इनके कारण से हम बुआई भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी समस्या महोदय, यहाँ खाद बीज की, हमारे रबी की बुआई के लिए खाद बीज में लाइनें लगी हुई, सरकारी गोदामों में खाद नहीं मिल रहा है। प्राइवेट पे खाद देते हैं तो लूट मार कर रहे हैं, जो खाद के अनावश्यक रेट लेकर के खाद दे रहे हैं। हमारी इस बात पर भी सरकार से मांग है कि सरकारी गोदामों में खाद बिकवाई जाए, प्राइवेट दुकानों से खाद अगर मिले तो उसी रेट की मिले जिस रेट की सरकार बेचती है, और ज़्यादा बड़े रेटों पर किसान खाद नहीं लेगा। और ऐसी स्थिति में पुनः आकर के हम घेराव करेंगे तहसीलदार महोदय का, SDM महोदय का। ये हमारी मुख्य दो मांग है आज की। ज्ञापन में क्या आश्वासन मिला? ज्ञापन में तहसीलदार जी ने कहा कि हम जरूर अमल करेंगे और इसको रखेंगे नहीं, हम समस्या से अवगत हैं तो हम तो इस पर कमल करेंगे और जल्दी ही आपको इसका निवारण करेंगे और इसका आपको देखने को मिलेगा कि हाँ कुछ किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकृष्ण पटेल है। किसान यूनियन के क्या? किसान यूनियन की सब वर्तमान हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।